हिंदुस्तान का दिल, देश की राजधानी और दिलवालों की दिल्ली, जिसके बारे में कभी गालिब ने लिखा था कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। हो भी क्यों ना, पूरे देश का दिल जो इस शहर में धड़कता है, इतिहास गवाह है कि दिल्ली न जाने कितने लोगों को अपनी ओर खींच लाई, और आज भी देश के हर कोने से आए लोग यहां बसते हैं। चाहे दिल्ली दूर नहीं, पर इसी के बीच बसी नई दिल्ली में रहना सबकी ख्वाहिश जरूर है। वर्तमान की बात की जाए तो दिल्ली का एनडीएमसी क्षेत्र या नई दिल्ली में रहना हर दिल्ली आने वाले की पहली हसरत है। हो भी क्यों ना, तकरीबन 3 लाख की आबादी वाले नई दिल्ली को खूबसूरत बनाए रखना कोई आसान बात नहीं। लेकिन एनडीएमसी ने इसकी साज सज्जा ही नहीं बल्कि इसे स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है और इसे बखूबी निभा भी रही है। यही वजह है कि पिछले 2 साल से लगातार दिल्ली को 1 से 3 लाख की आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिल रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को, जो दिल्ली की स्वच्छता के लिए दिन रात काम करती है। नई दिल्ली के 42.7 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ती है लगभग 300 किलोमीटर की सड़कें, जिन्हें रोजाना मैनुअल स्वीपिंग और MRS मशीनों से साफ किया जाता है, और इसकी इंटीग्रेटेड मशीनों से मॉनिटरिंग भी की जाती है। साफ सफाई के साथ ब्यूटिफिकेशन पर भी खास तवज्जो दी जाती है। पूरे शहर में वॉल पेंटिंग, फाउंटेन और आकर्षक लाइटिंग खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं, तो LED पर चल रहे स्वच्छता के संदेश जागरूकता लाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों को स्वच्छता अभियान से जोड़कर यहां NDMC द्वारा स्कूल जर्नलिस्ट जैसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। जन सुविधा का ध्यान रखते हुए पूरे शहर में 300 से ज्यादा स्वच्छ एवं मुफ्त सार्वजनिक शौचालय यानी पब्लिक टॉयलेट हैं, तो 20 से ज्यादा पिंक टॉयलेट भी हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। यहां सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं, ताकि सैनिटरी नैपकिन के कचरे का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया जा सके। इसके साथ ही बीते वर्ष NDMC ने एक नई शुरुआत भी की, जिसके चलते ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग मुफ्त शौचालय सेवा शुरू की गई, और निकट भविष्य में ऐसे और शौचालयों के निर्माण की योजना पर कार्य प्रगति पर है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के उचित पर्यवेक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से NDMC क्षेत्र को 14 स्वच्छता वार्डों में विभाजित किया गया है। दिल्ली वालों की आदतों में परिवर्तन लाने के लिए NDMC के द्वारा IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन से जुड़ी गतिविधियां शुरू की गई हैं, जिससे प्रेरित होकर 680 से अधिक परिवार गीले कचरे से घरेलू खाद बना रहे हैं, तो 1800 से ज्यादा घर एवं दुकानदार NGOs की मदद से सामुदायिक खाद बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। NDMC में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुल 2816 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। हर सुबह स्वच्छता मित्र हर घर के दरवाजे से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित करते हैं, जिसके लिए 36 ऑटो टिपर और 19 कॉम्पैक्टर तैनात किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि NDMC क्षेत्र में कोई कचरा लैंडफिल में नहीं जाता, यहां तक कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बिजली उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अथक प्रयास ही हैं, जिसके चलते दिल्ली स्वच्छ भारत के सपने को साकार करती नजर आ रही है। पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता का जो मूल मंत्र दिया, उस पर एकाग्रचित होकर निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दृढ़ संकल्प, निष्ठा और बुलंद इरादों का ही नतीजा है, जिसने दिल्ली में स्वच्छता की अलख जगा दी है और साफ सफाई दिल्ली वालों की आदत बना दी है।